हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों तो दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल अनामिका बी के 74-57 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों तो दोस्तों मैं आ चुकी हूँ खेत, और चलिए दिखाती हूँ आपको कि मेरे खेत में क्या काम हो रहा है। दोस्तों तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों देख सकते हैं ये मेरे पीछे का लोकेशन है, कैसा है ये देखिए। ये देखिए दोस्तों मेरे हस्बैंड की गाड़ी खड़ी हुई है, और ये देखिए यहाँ पे कॉलोनी भी एक बनी हुई है, और ये देखिए दोस्तों छोटा सा भैंस की पड़िया है। ये अभी छोटी है, ये काफ़ी ज़्यादा शायद 10-5 दिन की है। दोस्तों तो चलिए चलते हैं मेरे खेत में। और ये देखिए दोस्तों छप्पर पड़ा हुआ है, बंगला जो भी है। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पे चारा मशीन भी लगी हुई है, तो यहाँ पे चारा भी काटा जाता है, क्योंकि मेरी जो जेठानी है उनकी भैंस भी है, मेरी भी भैंस है, तो यहीं बांधी जाती है, तो इससे चारा काटा जाता है दोस्तों। तो चारा काटने में आसानी रहती है, क्योंकि चारा ज़्यादा काटा जाता है। और दोस्तों देख सकते हैं, ये देखिए मेरे खेत में नल भी लगा हुआ है। तो दोस्तों पता है पानी बहुत ठंडा निकलता है मेरे नल में यहाँ पे, क्योंकि खेत का अगर खेत में नल लगा होता है तो पानी बहुत ठंडा आता है दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए कितना, और दोस्तों पानी बहुत ज़्यादा इसमें आता है। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारे खेत की क्यारी जो है सारी बन चुकी हैं। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं, मेरे हस्बैंड सुबह आए थे तो सारी, कल ही थोड़ी बन गई थी, आप लोगों को दिखाया था, और आज सुबह आए थे तो सारी बना गए थे, सुबह ही बन गई थी। और अभी हल्की सी धूप भी है, ये देखिए। तो चलिए चलते हैं, देखिए मेरे हस्बैंड लगा रहे हैं पेड़, शिमला लगा रहे हैं दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हैं ये मेरे हस्बैंड, ये देखिए, ये देखिए दोस्तों घर से उखाड़ के लाए हैं बेड, तो इसको लगाया जा रहा है खेत में। और खेत को पहले तैयार किया गया है दोस्तों, इसको 2-3 बार पहले जुतवाया गया है, फिर इसमें खाद डलवाई गई है, ताकि पेड़ जो है अच्छे से चले, अच्छे से तैयार होंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं ये इधर लग चुके हैं, 2-3 क्यारे में पेड़ लग चुके हैं, और बाकी अभी लगाने बाकी हैं, लगा रहे हैं मेरे हस्बैंड। और सब और दिखाते हैं आपको। और ये देखिए मिट्टी में आसली क्या कर रही है, ये देखिए दोस्तों देख सकते हैं आप लोग मेरी बेटी क्या कर रही है। बाबू ए इधर देखो, बहुत खुश है दोस्तों देख सकते हैं मिट्टी में खेल के कितनी ज़्यादा खुश है, और मिट्टी खा भी रही है। ओए इधर देखो इधर, अब देखिए सारे कपड़े गंदे इसने कर लिए हैं, और बहुत ज़्यादा खुश है, मिट्टी में खेल के बहुत ज़्यादा इसको अच्छा लग रहा है, ताली भी बजा रही है। अभी इनको नहलाना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि सब सारा गंदा कर लिया है इन्होंने। और मैं खेत क्या करने आई हूँ दोस्तों, मेरा भी काम था थोड़ा सा, तो हम भी चले आए साथ में। और क्योंकि जब से बैंगन मेरे खेत में ख़त्म हुए थे, मतलब कट गए थे, तब से हम खेत नहीं आए थे, कल आए थे और आज भी आए हैं। तो कल तो क्यारी बनानी थी, और आज बेड़ लग रही है इसकी, शिमला मिर्च की। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर बाल्टी रखी हुई है, ये देखिए। और मेरा काम है जो ये पेड़ लगाए जा रहे हैं छोटे छोटे, आप लोग देख सकते हैं, तो इसमें पानी डालना है मुझे, ताकि जो है जल्दी से ये मिट्टी में जो है इनकी जड़ जल्दी से पकड़ ले, और जल्दी से बड़े बड़े हो जाएं, शिमला लगने लगें जल्दी जल्दी से दोस्तों। तो इसीलिए हम आए थे इसमें पानी डालने के लिए, और देखते हैं कितने लग पाते हैं। दोस्तों देख सकते हैं पपीते भी लगे हुए हैं, ये देखिए कितने बड़े बड़े, ये देख सकते हैं दोस्तों आप लोग पपीते कितने बड़े बड़े लगे हैं, सारे पेड़ में पपीते लगे हुए हैं,
जितने भी छोटे बड़े हैं सारे पेड़ों में पपीते लगे हुए हैं। ये देखिए, और दोस्तों पीछे का लोकेशन आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आम के बाग जो हैं ज़्यादा हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ का जो है क्षेत्र जो है मलियाबादी क्षेत्र लगता है। तो दोस्तों यहाँ आम की खेती बहुत ज़्यादा होती है। आम यहाँ के, यहाँ तो खेत कम ही होंगे और आम के बाग बहुत ज़्यादा हैं, आम की बहुत ज़्यादा खेती होती है। दोस्तों यहाँ का आम मशहूर है, मलियाबादी आम कहा जाता है। अगर जिस किसी ने खाया होगा तो उसको पता होगा कि यहाँ का आम बहुत मीठा और स्वादिष्ट होता है, इसीलिए यहाँ। और दोस्तों जितने खेत हैं तो खेती तो करते हैं, लेकिन ज़्यादातर यहाँ लोग सब्जी की ही खेती करते हैं, क्योंकि लखनऊ से जो है मंडियाँ जो है हमारे यहाँ बहुत नज़दीक पड़ती हैं, तो यही रोज़गार होता है ज़्यादातर यहाँ पे। धान, गेहूं, गन्ना तो होता ही नहीं। गन्ना जब से मेरी शादी हुई तब से हमने गन्ना यहाँ तो कभी खाया ही नहीं, कभी कहीं देखा ही नहीं कि कहीं गन्ना बोया हो। अगर बोया भी जाएगा तो चोरी सारे तोड़ ले जाएंगे, गन्ना बचेगा नहीं, क्योंकि यहाँ होता नहीं है। दोस्तों यहाँ सब्जियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, देख सकते हैं पीछे हमारे कद्दू बोए हैं, और ये देख उधर देख सकते हैं भिंडी लगी हुई है। मेरी जिठानी का खेत है तो उधर जो है भिंडी लगी हुई है, भिंडी के पेड़ लगे हैं, भिंडी निकलती भी हैं और मंडी ले जाते हैं भैया वो भी। तो दोस्तों हमारे खेत में भी फर्स्ट टाइम शिमला लग रहा है, और अब देखते हैं कैसा क्या होता है, क्योंकि इससे पहले कभी शिमला लगाया नहीं गया है, तो नतीजा क्या होता है, शुरुआत ही कर रहे हैं फर्स्ट टाइम इसकी भी। तो दोस्तों जब तक किसी चीज़ की शुरुआत नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा कि किसका रिज़ल्ट क्या निकलता है, आगे तक मंजिल तक तो नहीं पहुंच पाएंगे। जब शुरुआत करेंगे तभी कुछ ना कुछ आगे नज़र आएगा दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हैं ये कद्दू लगे हुए हैं, मेरे पड़ोस का ही खेत है, और ये देखिए मेरा दूसरा खेत है, इसमें जो है इसमें भी यही मांगी बनी पड़ी हुई है, तो इसमें भी शिमला लगाया जाएगा। और दोस्तों पता है इसमें जो है पहले गोबर की खाद मिलाई गई है, दो तीन बार जुतवाया गया है, तब ये खेत तैयार हुआ है, तब जो है अब जो है मतलब इसमें शिमला लगाया जा रहा है ताकि अच्छे से उग जाए, अच्छे से पेड़ जो है तैयार हो जाए। तो दोस्तों देख सकते हैं ये है भिंडी का खेत, मेरे जेठ जी का भिंडी लगी हुई है, और शायद जानवर जो है, क्योंकि छुट्टा जानवर बहुत ज़्यादा इधर उधर घूमते हैं तो चर भी गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। और ये पीछे बाग है आम का, ये देखिए दोस्तों कैसा नज़ारा है, ये देखिए दोस्तों कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों ये देख सकते हैं कॉलोनी बनी, ये देख सकते हैं सामने जो दिख रहा है ये बंगला पड़ा हुआ है, मतलब कि छप्पर पड़ा हुआ है हमारा, और उधर ही से रोड है जहाँ से हम आते हैं, और बाकी तो मेन रोड है, तो वहाँ का भी मैंने ब्लॉग बनाया नहीं है, क्योंकि रोड पे चलते समय वाहन बहुत ज़्यादा चलते हैं, और एक तो बाबू को लिए हो साथ में तो फिर मोबाइल एक हाथ से पकड़ो बाबू को लो तो बनता नहीं है दोस्तों, इसीलिए हमने कल ब्लॉग जो है बनाया था, लेकिन रोड पर से नहीं, जब अपने अंदर आ गए थे चक रोड पे तब हमने ब्लॉग बनाया था दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं ये मेड़ है, आप लोग जानते होंगे अगर जिसके भी खेत होंगे तो, ये मेड़ है, इस पर देख सकते हैं कितनी ज़्यादा अच्छी अच्छी हरी हरी घास उगी हुई है। और वो देखिए मेरे हस्बैंड आपको दिख रहा होगा लगा रहे हैं शिमला की बेड़, क्या है, हाँ डाल रहे हैं भी। दोस्तों मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि बातें भी करते जाओ और पानी भी डालते जाओ, क्योंकि अगर पानी नहीं डालेंगे तो पेड़ जो है सूख जाएंगे। और चलिए तो पानी भी डालते हैं साथ में और आप लोगों से बातें भी करते रहेंगे। तो दोस्तों मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मुझसे रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे।
और मैंने जग वहाँ रख दिया है उसको, तो चलिए पानी भी डालते जाते हैं साथ में, नहीं तो शाम हो जाएगी। शाम तो होने वाली है, कितना टाइम हो गया है, शायद 5:30 तक बज गया है दोस्तों। तो देख सकते हैं मैं डाल रही हूँ इसमें पानी ताकि जल्दी से हमारे शिमला के पेड़ जो है तैयार हो जाएं दोस्तों, और आप लोग अगर शिमला खाते हैं तो हमारे यहाँ लखनऊ आइएगा और मेरे यहाँ से शिमला मेरे खेत से ले जाइएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं तक, और मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, और मेरे वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना दोस्तों। और प्लीज़ सपोर्ट मी, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा, ताकि दोस्तों अगर मैं क्या बताऊँ आप लोगों से, तो मैं कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ लेकिन नहीं कहूँगी, क्योंकि कुछ लोग आसपास हैं तो मुझे देख रहे हैं। और दोस्तों मेरे चैनल पे नए हैं, बस इतना ही कहूँगी, मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मुझसे रिलेटेड वीडियो आप तक मिलती रहेंगी, तो और अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलेंगी आगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, और टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।